जय हिंद दोस्तों। रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहाँ पर, समय और कार्य के, इनको हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना काम 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि 3 आदमी या 6 लड़के, 3 आदमी, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, इसके लिए एक डायरेक्ट तरीका बताएंगे। 3 men या 6 लड़के यानी 6 boys कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं उस काम को। अब क्या पूछा गया है आपको कि यहाँ पे 6 आदमी और 8 लड़के और बोला है अब आपको, है ना, 6 आदमी यानी 6 men और 8 boys मिलकर कितने दिनों में यहाँ पर काम को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये टाइम आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों का एक डायरेक्ट तरीका हम बताते हैं। ऊपर में आपको क्या दिया है, या दिया है और नीचे में और दिया है। तो जब या वाला टाइम दिया हो और वाला हमको निकालना हो यहाँ पर टाइम, तो इसके लिए डायरेक्ट तरीका अपनाइए। टाइम निकालने के लिए क्या करिए कि ऊपर जितने भी वैल्यू आपको दिख रहे हैं सभी का कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 × 6 × 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6 × 20, इतना हो गया। ठीक है, और डिवाइड में कर दीजिए। अब डिवाइड का सुनिएगा, थोड़ा सा लफड़ा है यहाँ पे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × 8 से करेंगे तो 3 × 8 = 24, है ना। फिर यहाँ पर 6 × 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, बस इसको काट पीट लीजिए, ये हो जाएगा 6 × 18 × 20 डिवाइड बाई ये कितना होगा, 3 × 2 = 5 = 6 यानी कि 60 हो जाएगा। तो देख लीजिए 20 × 3 = 60, है ना, और 3 × 6 = 18 मतलब कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 दिन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन। क्लियर हो गया ना, तो डायरेक्ट तरीका लगाइएगा। ये डायरेक्ट तरीका हम आपको बताएं, वैसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग इसको। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो यहाँ पर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे एक ज़बरदस्त सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। पी किसी काम को 4 घंटे में करता है, ठीक है, जो दिया है आप लिखते जाइए। पी जो है वो किसी काम को 4 घंटे में करता है। फिर बोला जा रहा है पी और क्यू द्वारा एक साथ 3 घंटे में, पी और क्यू दोनों मिलाकर एक साथ 3 घंटे में, और क्यू और आर एक साथ 2 घंटे में उस काम को किया जा सकता है। यानी क्यू और आर दोनों एक साथ कितने घंटे में, यहाँ पे 2 घंटे में कर सकते हैं उस काम को। तो पूछा जा रहा है एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे। ठीक है, अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में किया जा सकता है। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टोटल वर्क की, यानी कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो टोटल काम हो गया हमारा 12। एलसीएम हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि टोटल वर्क हमको ऐसा मानना होता है जो सभी नंबर्स से कट जाए, है ना, तो एलसीएम ही सभी से कटता है। तो 4 × 3 = 12 यानी टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 12 ईंटें लगानी हैं आपको। अब निकाल लेते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का क्या मतलब होता है, एक दिन में किया गया काम। देखिए 12/4 आएगा यहाँ पे 3, यानी पी एक दिन में 3 काम करेगा। फिर यहाँ पे 12/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। पी और क्यू मिलाकर एक दिन में यहाँ पे 4 काम करेंगे। क्यू और आर 12/2 यानी क्यू और आर मिलकर कितना काम करेंगे, यहाँ पे 6 काम करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है और पी अकेला 3 काम कर रहा है। ऐसा समझिए कि पी और क्यू मिलकर 4 काम कर रहे हैं, 4 ईंटा लगा रहे हैं, और पी उसमें से 3 ईंटा लगा ले रहा है। यानी कि क्यू कितना ईंटा लगाएगा, सिर्फ 1 ईंटा लगाएगा। यानी क्यू की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। पी की इफ़िशियंसी कितनी है, यहाँ पर दे रखी है 3 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, Q कितना आया है, 1 आया है। Q और R मिलाकर 6 ईंटा लगा रहे हैं, तो Q जब 1 ईंटा लगा रहा है तो R कितना ईंटा लगा रहा होगा, 5, है ना, क्योंकि 1 और 5 मिलाकर ही 6 होगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। समझ में बात आया, तीनों की इफ़िशियंसी मिल चुकी है आपको इंडिविजुअली। P की 3 है, Q का 1 है और R का 5 है। अब क्या बोला आपको, अब बोला कि एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना समय लगने वाला है, कितने घंटे लगेंगे। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। टोटल काम कितना है, कितनी ईंटें लगानी है, यहाँ पे 12। तो टोटल काम हो गया 12। डिवाइड में क्या होगा,
इफ़िशियंसी, अब कितने लोग काम कर रहे हैं तीनों एक साथ मिलकर ना, तो तीनों की इफ़िशियंसी जोड़ दीजिए। पी का 3 है, क्यू का 1 है, आर का 5 है, तो 3, 1, 5 जोड़ेंगे हो जाएगा टोटल 9। तो यहाँ पे हो गया आपका 9। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे काटेंगे इसको हम लोग, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 3 9, यानी कि 4/3 घंटा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से डील किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक ज़बरदस्त सवाल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सवाल में क्या बोला गया है, बहुत ही ध्यान से इस पूरे प्रश्न को देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा होने वाला है अभी यहाँ पे। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है किसी भी काम को करने के लिए, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ईंटा ही लगा रहे हैं, पी और क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम है, टाइम ध्यान से देखते जाइएगा, टाइम की बात हो रही है, समय कह रहा है पी जो है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, क्यू की तुलना में, यानी कि क्यू अगर 100 काम करता है, मतलब 100 घंटा समय लेता है, तो ये कितना घंटा लेगा, 150 घंटा लेगा, यानी इससे 50% अधिक, यानी 150 घंटा समय लेगा ये, है ना। इनका ले लीजिए रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पे 50 से दोनों कटेंगे, 50 3 150 और ये हो जाएगा 50 2 के 100। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सिंपल सी एक बात बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 10 रोटी खाना है, ठीक है, 10 रोटी खाना है और दो लोग हैं, मान लीजिए कि पहला आदमी एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो टोटल सभी रोटी खाने में उसको कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, है ना, कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, एक दिन में 2 रोटी खाता है, यानी इफ़िशियंसी 2 है उसकी, तो 5 दिन लगाएगा। वहीं पे दूसरे आदमी की इफ़िशियंसी, मान लीजिए कि दूसरा आदमी एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो वो इन्हीं 10 रोटी को खाने में कितना दिन लगाएगा, सिर्फ 2 ही दिन लगाएगा, या ना। तो यहाँ पर ये समझिए कि जिसकी इफ़िशियंसी कम है वो काम करने में ज़्यादा समय लगाएगा, और जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है वो काम करने में कम समय लगाएगा, ठीक है, यही तो बात हुआ। यानी जो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा वो जल्दी काम कर लेगा, और जो एक दिन में कम काम करेगा वो ज़्यादा समय तक काम करने में टाइम लगाएगा। क्लियर हो गया, तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर टाइम का रेशियो ये है, पी आपका 3 दिन लगा रहा है, क्यू आपका 2 दिन लगा रहा है, तो इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो पलट जाएगा, यानी कि ये क्यू ज़्यादा समय लगा रहा है, यानी कम काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, और क्यू कम समय लगा रहा है तो ये 3 काम कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, काम अगर आपका फिक्स है तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो पलट जाता है, टाइम का रेशियो जो भी दिया होगा उसका जस्ट उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, या फिर इफ़िशियंसी का रेशियो अगर कुछ दिया है तो टाइम का रेशियो पलट जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे सुनिए, यहाँ पे कह रहा है कि पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 18 दिन में कर ले रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर टोटल वर्क मानना है, अब टोटल वर्क ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर सिर्फ 18 मान लें, मान सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे जाइए और 18 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि 18 5 90 हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 90 ले लेते हैं, ठीक ना, 90 ले लेते हैं, टोटल काम 90 है, इसी का मल्टीपल ही लेना है आपको। तो इनकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की साथ में मिलाकर यहाँ पे 90/18 यानी कि इफ़िशियंसी हो गई 5, ठीक है। अगर हम रेशियो में देखें टोटल इफ़िशियंसी कितनी है, यहाँ पे 2 और 3 5 है ना, रेशियो में टोटल इफ़िशियंसी कितनी है, 5 यूनिट है, लेकिन एक्चुअली में टोटल इफ़िशियंसी कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो 5 की वैल्यू 5 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब क्या बोला है यहाँ पे सुनिएगा, देखिए ध्यान से, सवाल में ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्यू अकेले काम करने में कितने दिन लगाएगा, ठीक है, हाँ क्यू अकेले कितने दिन में काम ये कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, 1 का वैल्यू 1 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, यानी क्यू की इफ़िशियंसी 3 होगी और पी की इफ़िशियंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 है तो 2 का वैल्यू 2 होगा। अब यहाँ पे क्यू के बारे में पूछा जा रहा है, क्यू का टाइम पूछा जा रहा है, काम कितना है अपने पास, यहाँ पे 90 काम है, टोटल 90 काम है,
और क्यू जो है, क्यू की इफिशियंसी कितनी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है, तो बटे हो जाएगा तीन, यानी ये आ जाएगा, काटेंगे इसको तो 30 दिन। क्यू को कितना दिन लगेगा यहाँ पे, 30 दिन लगने वाला है। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया सवाल था और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तरीके से करेंगे तो कहीं भी कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर काम आपका फिक्स है तो टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो पलट जाता है, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। ये 3-2 है तो ये 2-3 हो जाएगा। समझ में आया ना, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।